दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वाइपर की ये जो पूरा बे है जहाँ से वाइपर के अंदर जो मतलब जो मेन वाइपर मोटर का जो भी पानी निकल कर आता है वो सारा जो बाहर निकलता है उसे आप कैसे साफ कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे इसे ओपन कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर मतलब जरूरी जो ध्यान आपको रखना चाहिए सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस चीज को मैं क्लीन करने की बात कर रहा हूँ वो इसके अंदर है जहां से मेन जो अपन वाइपर चलाते हैं उसका जितना भी पानी आता है, बारिश का जितना पानी आता है छत पे से, सारा का सारा वो यहां से इसके अंदर होके यहां से साइड से निकल जाता है। और इसे आपको क्लीन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वाइपर खोलने पड़ेंगे। तो यहां पर ये दो बोल्ट हैं वाइपर के, यहाँ पर वो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, उन्हें खोलने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 12 नंबर के बोल्ट होते हैं ये खोल के आपको इन दोनों को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद एक यहाँ पर ये पूरी यहां से लेके ये पूरी एंड तक एक रबड़ लगी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैंने वो खोल दी है। तो यहाँ पर आप ये वाइपर देख सकते हो और ये वो रबड़ है, इसके अंदर हल्के से ऐसे लॉक होते हैं तो आपको जस्ट इसे हल्का सा ऐसे पुल करना है तो ये निकल जाएगा। इसके अंदर कोई नट बोल्ट कुछ नहीं होता इस रबड़ के अंदर और ये रबड़ बहुत जरूरी होती है। तो ये मैंने रख दिया है और उसके बाद फिर आपको हटाना है ये प्लास्टिक कवर ये वाला, और उसके बाद मैं आपको हालत दिखाता हूँ कितनी गंदगी हो रखी है इसकी। तो ये मैं कवर एक बार हटा देता हूँ, ये कवर भी आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है ये वाला, ये धो लेना है बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर हालत देखो, ये देखो ये सब ब्लॉकेज का कारण बनती है। इसके अंदर भी मैं आपको एक बार फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ हालत, ये सारी ये अंदर की हालत है और यहाँ से ही मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो ये देखो ये सारा अंदर ये जमा पड़ा है और इसे आपको क्लीन जरूर करना है वरना फिर ये ब्लॉकेज का कारण बनती है, फिर ये पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और फिर वही पानी आपके कैबिन के अंदर जाता है पैसेंजर साइड से एसी वेंट के थ्रू होते हुए, वो इसी वजह से जाता है जब इसके अंदर गंदगी भर जाती है सारी ये वाली। तो इसे आपको क्लीन करना है, इसके लिए आप जस्ट नॉर्मली वाला ब्रश ले सकते हो जिसके अंदर ये थ्रेड इसके बड़े हों, ये नॉर्मल बाइक क्लीन वाला है इसी से मैं इसे क्लीन करूंगा, या फिर आप कोई नॉर्मल ब्रश भी ले सकते हो। और अगर आपका हाथ इसके अंदर चला जाता है तो आप अपने हाथ से भी इसे क्लीन कर सकते हो पानी डाल के, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब क्लीन करना पड़ेगा आपको और पानी जो है इसका सारा वो यहां से निकल जाता है, ये जो होल दिख रहा है इसके अंदर नीचे जाके एक होल है तो पानी जो सारा मतलब इसके अंदर ऐसे जाके निकलता है। तो अब मैं जरा इसे क्लीन कर लेता हूँ, ये जो गंदगी इसके ऊपर जमी पड़ी है इसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे आपको चाहो तो आप ब्रश से साफ कर सकते हो नहीं तो हाथ से भी जितना हो सकता है उतना आप क्लीन कर देना। उसके बाद आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर और फिर एंड में जो है पानी का यूज़ होगा इसके अंदर। वो ये हो चुका है और यहाँ पर एक बार इसकी कंडीशन देख लो, अगर ये एक बार यहाँ पर घूम जाए, सबको क्लीन करना है और इसके लिए हमें इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो मैं एक बार पानी डालता हूँ ये वाला, तो दोस्तों इसके अंदर पानी डालने से पहले आपको एक काम कर लेना है वरना अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल सरफेस पे खड़ी है तो फिर ये सारा का सारा पानी जो है वो इधर साइड जा सकता है इधर साइड। बट अब मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है कि ईंट जो है आपको एक टायर पे ईंट रख लेनी है नीचे और उस पर टायर चढ़ा लेना है तो ये थोड़ा सा एंगल हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा इधर की तरफ क्योंकि इसका ड्रेन होल जो है वो यहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रेन ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है ये देखो ये वाला। तो ऐसे आपको इसे क्लीन करना है। तो अब यहाँ पर आप पानी की ढलान देखना कहाँ जाएगा पानी, ऑटोमेटिक सारा का सारा इधर आ गया है ये देखो। और अब आप यहाँ पर देखो ये सारा का सारा ये ड्रेन हो रहा है, जितने भी इसके अंदर फूल और ये गंदगी थी वो सब पानी के साथ बाहर आ जाएगी और जो ना आए तब आप इसमें अपना हाथ यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये पानी डाल देता हूँ एक बार। तो दोस्तों इसे मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको हाथ अपना यूज करना पड़ेगा और जितना जो गंदगी है आप चाहो तो उसे अपने हाथ से यूज निकाल सकते हो
कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देख सकते हो इसकी कंडीशन, ये मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, धो दिया है और अंदर भी मैंने पानी अच्छे तरीके से मार दिया है जहां जहां मेरा हाथ पहुंचा है। फिलहाल अभी यहाँ पर गंदगी है बट इसे भी हम आगे क्लीन कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने क्लीन कर दिया है सारा और अब बारी है इनकी लगाने की। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हें हमें लगाना है और ये तो ऊपर से ही क्लीन हो जाते हैं तो इसे अभी मैंने धोया नहीं है इन्हें जस्ट हमें लगाना है क्योंकि मेन जो क्लीन करना था वो अंदर का था। तो भाई इसे हमें यहाँ पर रखना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पर रख देना है और इसके जो होल हैं ये वाले ये आपस में मैच हो जाएंगे सारे जितने भी हैं। और उसके बाद बारी है सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले को हमें यहाँ पर रखना है कुछ इस प्रकार से और इसके होल भी आपस में मैच हो जाएंगे। तो ये वाला जो आप कट देख रहे हो ये वाला, ये इसके नीचे जाएगा ऐसे आएगा ये वाला और उसके बाद आपको इसके होल जो है ये मैच करने हैं यहाँ पर। ये देखो इस प्रकार से होल मैच हो जाएंगे ये वाले और उसके बाद बारी है उस रबड़ को लगाने की। दोस्तों ये रबड़ हमें यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका पतले वाला सिरा है ये वाला, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला सिरा जो है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हमें ये मैच करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ से इसे लगाना है सबसे पहले इन लॉक्स को लगाना है, तो एक लगाते हैं उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा लगाते हैं उसके बाद ये तीसरा लगाते हैं उसके बाद ये चौथा, ये टूटा हुआ है तो हमें यहाँ पर ये फिफ्थ लगाने हैं। तो एक दो अगर टूटा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है। तो उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला, तो ये वाली जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये प्लास्टिक की ग्लाइडिंग जो है ये भी लग चुकी है, ये भी लग चुकी है और यहाँ पर आप इसकी हालत देख सकते हो, सारी मैंने अंदर से भी क्लीन कर दी है। तो अब बारी है वाइपर लगाने की। तो ये वाला जो है ये लगेगा यहाँ पर, चाहो तो आप पहचान के लिए कुछ भी आप लगा सकते हो, टिक मार्क या कुछ भी। तो इस वाले को पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये देखो। और एक आपकी यहाँ विंडस्क्रीन पे मार्क भी लगा होगा आपके वाइपर का, तो आपको जस्ट उसी को मैच करके इसे वहां पर फिट कर देना है। तो जैसे कि अब मैं इसे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर रखने के बाद हमें जस्ट ये 12 नंबर का ये बोल्ट इसमें लगा देना है ये वाला, और उसके बाद ये सेकंड वाला है इसे भी हमें लगाना है यहाँ पर। आप ऐसे इसे लगा सकते हो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद, इसके अंदर भी आप 12 नंबर का बोल्ट लगा सकते हो ये वाला। तो एक बार मैं इन्हें टाइट कर देता हूँ उसके बाद आगे आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों वाइपर मैंने लगा दिया है, एक बार जस्ट हम इन्हें चला के देख लेते हैं, ये चल रहा है नहीं चल रहा, ये देखो। मैं अब आपको एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये भी परफेक्ट चल रहे हैं, वाइपर लगा के हमने टाइट कर चुके हैं और अब बारी है ये कैप लगाने की। तो ये कैप लगेगी यहाँ पर, तो इसमें आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो, इस वाले को आपको जस्ट यहाँ पर आगे की तरफ प्लेस करना है और इस टाइप से इसे लगा देना है। सेम सिस्टम इसमें भी होगा। तो ये देखो ये क्लीन हो चुका है और ये लग चुका है यहाँ पर परफेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से इस ब्रश की सहायता से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ब्रश बहुत हेल्प करता है इस क्लीनिंग के मामले में, क्योंकि इसके जो ब्रश हैं ये ज़्यादा मतलब लंबे हैं, इसी मदद से आप इसे क्लीन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो आप ऐसे इसे क्लीन कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना
और आपको कोई वीडियो चाहिए हो टॉपिक बता देना मेरे को, या मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।